जो शिवराज सिंह की सरकार थी, विधानसभा के चुनाव में इन्होंने किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वायदा किया था। गैस का सिलेंडर 450 रुपए में कर देंगे, ये भी वायदा किया था। चुनाव के बाद लाडली बहना में 3000 रुपए दे देंगे, ये भी उन्होंने वायदा किया। आज 6 महीने हो गए, ना तो गैस सिलेंडर 450 में मिला, ना लाडली बहना के अकाउंट में ज्यादा पैसे आए, और जो गेहूं है वो 2275 रुपए में तोल रहा है। भूमि अधिग्रहण में रेलवे वाले और हाईवे वाले इतने परेशान हैं। हाँ, भूमि अधिग्रहण में भी देखो आप क्या हो रहा है, रेलवे की भूमि अधिग्रहण हो रही है, सड़क की हाईवे की भूमि अधिग्रहण हो रही है। परंतु कांग्रेस के समय में ये था कि भूमि अधिग्रहण हो तो बाजार भाव का 4 गुना पैसा किसान को मिलना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि वो बाजार भाव का जो दाम है वही दे बड़ी मुश्किल से सेटल हो रहा है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है, खड़गे जी ने और राहुल गांधी ने, कि हम सत्ता में आएंगे तो वो कानून वापस लाएंगे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर था। यदि शासकीय काम में या किसी भी कार्य के निर्माण में सरकार को भूमि की जरूरत है तो उसको बाजार भाव से 4 गुना उस किसान को देना पड़ेंगे उसको। दूसरी बात जो हमारी मैनिफेस्टो में सबसे महत्वपूर्ण है, हमने वायदा किया है, वचन दिया है कि हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी तो हम जो अनाज का मूल्य वो स्वामीनाथन फार्मूले के हिसाब से तय करेंगे। यदि गेहूं की लागत 2000 रुपए आ रही है बढ़े हुए समय में, खाद बीज बिजली और डीजल पेट्रोल इन सब के कारण, तो हमें उसको 50% बढ़ाकर 3000 रुपए उसको निश्चित करेंगे। 3000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की फसल के दाम किसान को मिलेंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है।